नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के बैनर तले सैकड़ों वैष्णव बंधुओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपना रोष प्रकट किया। ज्ञापन में बताया कि सन 1991 में सरकार द्वारा समस्त मंदिरों की खातेदारी में पुजारियों के नाम विलोपित करने के बाद पूरे राजस्थान में पुजारी आंदोलन एवं संघर्ष कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम विलोपित कर देने से डोली भूमि में पुजारियों द्वारा काश्तकारी कार्य करने के बावजूद इनको सभी राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसमें कृषि कनेक्शन, मुआवजा राशि, कृषि उपकरणों में मिलने वाला अनुदान, फसली ऋण एवं फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को जारी आदेश में मंदिर डोली भूमि में विलोपित किए गए समस्त पुजारियों के नाम पुनः जोड़ने का आदेश जारी हुआ। अन्य जिलों में इस आदेश का क्रियान्वयन होकर पुजारियों के नाम पुनः जोड़ दिए गए, मगर भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष महोदय ने सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया। इस संबंध में आज जिले के सभी पुजारी वैष्णव बंधुओं अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के बैनर तले मुखर्जी उद्यान में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए दोपहर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में पुजारी वैष्णव समाज के प्रतिनिधियों के समक्ष अतिरिक्त जिलाधीश ने इस प्रार्थना पत्र पर तुरंत पहल कर उक्त समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद के जिलाध्यक्ष जमुना दास वैष्णव, पुजारी संघ जिलाध्यक्ष शंभू दास वैष्णव, डॉक्टर राजा साध वैष्णव, साठगांव महंत मदन दास वैष्णव, जूना मंदारिया मंडल महंत शंकर दास वैष्णव, जिला महामंत्री महावीर वैष्णव, जिला उपाध्यक्ष राजा राम वैष्णव, जिला सचिव रमेश चंद्र वैष्णव, करेड़ा तहसील अध्यक्ष भैरू दास वैष्णव, देवीदास वैष्णव, देवेंद्र वैष्णव, गोविंद वैष्णव, गोविंद वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव, लादूदास वैष्णव, रमेश वैष्णव, धर्मराज वैष्णव, चेतन दास वैष्णव, माधव दास वैष्णव, जगदीश वैष्णव, बालूदास वैष्णव, महावीर वैष्णव, राधेश्याम वैष्णव, बालमुकुंद वैष्णव सहित सैकड़ों की संख्या में वैष्णव बैरागी समाज के लोग उपस्थित थे। समग्र वैष्णव समाज ज्ञापन के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुआ है और हमारा मुख्य विषय है कि जो हमारी डोली भूमि है उसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने इसकी नियमावली और जो कानून है वो पारित कर दिया है। लेकिन यहाँ कई जिलों में जैसे चित्तौड़, उदयपुर में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हो चुका है, लेकिन भीलवाड़ा में नहीं हुआ है। डोली भूमि जो है 500,000 वर्षों से वैष्णव समाज पुजारियों के नाम रही है, लेकिन चूँकि ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई है इसलिए लोकल जो भू माफिया है वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे पुजारियों पे विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। समाज के अंदर अत्याचार को रोकने के लिए, पुजारियों को संरक्षण देने के लिए और हमारी जो धरोहर और मंदिर है उनका संरक्षण होना चाहिए, इसी समय हमने कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार और राज्यपाल को ज्ञापन आज किया है। आज हम सब वैष्णव समाज के जो है 13-12-91 का जो आदेश था जिसमें पुजारियों के नाम विलोपित किए गए थे, उस विलोपित नाम को वापस जुड़वाने के लिए राज्य सरकार ने 20/9/2022 को एक आदेश निकाला जिसकी क्रियान्विति सभी जिलों में हो चुकी, लेकिन भीलवाड़ा जिले में इसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। इसके लिए हम आप सब आज जो है हम सब कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो धन्यवाद पुजारी एकता। भीलवाड़ा जिला के वैष्णव बैरागी समाज, अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज से हूँ और सर आज हम सब भीलवाड़ा जिला के सभी मेहनत इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो इकरणों के अंदर ये जो डोली भूमि का मामला था उसमें हमारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं है, वो नाम को जुड़वाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। जो इसके लिए सर क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं सर उदयपुर में, चित्तौड़ में, हर जगह 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 हर जिलों में इनका नाम जुड़ गया है और हमारे भीलवाड़ा जिला में अभी तक आदेश नहीं आया, नहीं तो पटवारी के पास अध्यक्षता, इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास आज सभी समाज वाले इकट्ठे होकर आज यहाँ पे ज्ञापन दिया है और साहब ने हमको मिले हमारे से और साहब ने हमको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका हम ये काम करवा देंगे। नाम में उनकी क्या समस्या आ रही है? उससे हमारे को गांव में काफ़ी समस्या आ रही साहब, हर परिवार छोटा मोटा परिवार पीड़ित हो रहा है और ये खाली नाम गलने से हमारा परिवार बच जाता है, कहीं कहीं अत्याचार हो रहे हैं, साधु को बेघर किया जा रहा है, डोली भूमि से निकाला जा रहा है, जबकि 500 वर्ष से 1000 वर्ष से उस ज़मीन पर हमारा परिवार रहता है और उसको बेदखल किया जा रहा है और सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा सर। इसके लिए हमने ये कदम उठाया है और कलेक्टर साहब ने
बोला, आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा।